सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम क्लास नाइन्थ में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने एक्सरसाइज टू तक आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड समझेंगे, जो कि ऑलरेडी आपने क्लास एट्थ में कवर अप किया था, राइट। अब एक बार मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा आपको। अब आपने एट्थ में आपने कैसे किया है मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ, मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स से हम समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में देखो दिया हुआ है, डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x² - 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 + x। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 3x² - 1। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो मेरा पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अगर पी एक्स को मैं लिखूंगा तो पी एक्स हमारा दिया है एक्स प्लस 3x² - 1, और हमारा उसी क्वेश्चन में अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो जी एक्स हमारा दिया हुआ था 1 + x, राइट, 1 + x, राइट। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, यानी कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, राइट, ऐसे ही लिखेंगे। तो अभी तक जो हमको मालूम है सॉल्व करना वो है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने एट्थ में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो पहले हम उसी से करते हैं। तो देखो, अगर पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है तो ये आपका हो जाएगा डिवीजर और ये हो जाएगा डिविडेंड। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस 1, अब ये 1 + x दिया था तो मैंने x को पहले रख दिया, ज़्यादा इजी पड़ेगा। अगेन इसमें भी 3x² को मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको इजी पड़ेगा। 3x² + x - 1, तो चलो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए फर्स्ट टर्म पे कि फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म है हमारा 3x², तो यहाँ पर रफ में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 3x² मिल जाए, तो हम 3x मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 3x × x करेंगे तो मुझे 3x² मिल जाएगा, और फिर 3x × 1 करेंगे तो 3x मिलेगा। तो 3x × x हो जाएगा 3x² प्लस 3x × 1 हो जाएगा 3x, राइट। तो हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन में कि हम ये एक्स प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x × x हो जाएगा 3x², ठीक है, प्लस 3x × 1 हो जाएगा 3x, ठीक। साइन चेंज होगी क्योंकि लॉन्ग डिवीजन है, साइन चेंज करेंगे, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसल। अगेन प्लस एक्स माइनस 3x बिकम्स -2x - 1। अगेन हमको ये सोचना है कि ये एक्स प्लस 1 के साथ अब फिर से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x मिले हमको। तो हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × x करोगे बिकम -2x, और -2 × 1 करोगे बिकम -2, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, -2 से मल्टीप्लाई करें। तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, -2x - 2, राइट। अगेन माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अगेन +2 - 1 आएगा तुम्हारा 1। तो बताओ हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, राइट। इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। ये हो गया आपका कोशेंट, और ये हो गया आपका डिवीजर, और ये है आपका डिविडेंड। तो इस टाइप से हम सॉल्व करते थे। अगर हमको कोई दो चीज को डिवाइड करने बोलता था तो हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ तक आप वीडियो को पुश करके पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम समझना। तो चलो, होपफुली आप लोग ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, तो मैं अब आपको समझाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो देखते हैं, चलो। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखो, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम में
आपको किसको किससे डिवाइड करना है ये चेक कर लो। क्वेश्चन में बोला था कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप रहता है कि आप सबसे पहले जो जी एक्स है, यानी जिससे डिवाइड करना है, यानी पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना था, तो सबसे पहले जो जी एक्स है उसको इक्वेट कर दो जीरो से। अब जैसे ही जी एक्स को आप इक्वेट करोगे जीरो से, तो आएगा आपका आंसर, जैसे जी एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो ये है 1 + x must be equal to 0। तो अब 1 को उधर ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा x = -1। x कितना आ गया हमारा? -1। तो हम जी एक्स इज इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे हमारे पी एक्स में। चलो पुट करते हैं। ये आपका सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू पी एक्स में पुट करना है। तो चलो पुट करेंगे। हमारा पी एक्स क्या दिया हुआ था? पी एक्स दिया हुआ था, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3x² + x - 1। ये हमारा पी एक्स था। इसमें अब x की वैल्यू हमको -1 पुट करना है। तो रखो p(-1), x जहाँ जहाँ दिखेगा -1 रखेंगे। तो 3 × -1² + (-1) ब्रैकेट लगाना, क्योंकि दो साइन है, माइनस में हमेशा ब्रैकेट का ख्याल रखा करो। तो ये हो जाएगा 3 × अब आप सबको मालूम है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमको सबको मालूम है कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो ये हो जाएगा +1, राइट? प्लस, अच्छा ये +(-), दो साइन आजू बाजू ब्रैकेट में रहती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 - 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, और -1 - 1 = -2। तो 3 - 2, हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि देखो, जितना आंसर हमको लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करके जो हमको रिमाइंडर मिला था, से वो ही आंसर हमको रिमाइंडर थ्योरम में आखिरी में लास्ट स्टेप में मिलता है। तो दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत हेल्पफुल होता है बड़े क्वेश्चंस के लिए। अभी आप बोलोगे कि दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं लेंथ में, लेकिन जब क्वेश्चंस लेंदी आते हैं तब आपका रिमाइंडर थ्योरम बहुत काम आता है। और ये बहुत इजी मेथड है। आप एक्स की वैल्यू निकालो और जिससे डिवाइड करने बोला उसमें पुट कर दो, तो जो आंसर आएगा डेट इज़ नथिंग बट योर रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड इट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। आया समझ में? तो यहाँ तक आप लोग पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो मैं, यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज़ होता है, यूज़ कैसे होता है। और एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कब रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है और कब लॉन्ग डिविजन मेथड यूज़ करना है। तो याद रखना, जब क्वेश्चन 3 से 4 मार्क का आएगा हम लॉन्ग डिविजन से सॉल्व कर लेंगे, और जब क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए आया है तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही ईजी है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे कि सॉल्व बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यानी एकदम स्पेसिफिकली बोलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम से ही करो, तो फिर वो 3 मार्क का है, 4 मार्क का है, आप रिमाइंडर थ्योरम से ही कर लेना, ठीक है? तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको बोला था एक एग्जांपल और करवाऊंगा, तो मैं आपको एग्जांपल नंबर 7 करवाने वाला था। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 7। डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय x - 1। चलो करेंगे। तो आपका क्या है क्वेश्चन? देखो, 3x4 - 4x³ - 3x - 1। तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन को। 3x की पावर 4 आपको पी एक्स दिया है, मैं उसको ना पी एक्स मान लेता हूँ, हमको पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है विच इज 3x की पावर 4, ठीक, -4x³ + 3x - 1 है क्या? हाँ सॉरी, -3x - 1 है। तो इरेजर, तो -3x - 1 ये हो गया।
और हमको इसको डिवाइड करना है, तो मैं उसको जी एक्स मान लेता हूँ, तो डिवाइड किससे करना है हमको, एक्स माइनस वन से करना है, ठीक। तो जी एक्स हो गया हमारा एक्स माइनस वन। सबसे पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, तो मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम के लिए गैप छोड़ दे रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लॉन्ग डिवीजन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर साइड में, ठीक। तो हमारा ये हो गया डिवीजर और ये हो गया डिविडेंड, 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। चलो अब अगर आप लोग को अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन ही समझ में आ गया तो इसको वीडियो को पुश करके सॉल्व कर लो, आंसर चेक कर लेना, अदरवाइज सब मेरे साथ चलो। अब इसको थोड़ा हम डायरेक्ट डायरेक्ट करना सीखेंगे। अब देखो हमारा फर्स्ट टर्म है 3x की पावर 4। अब 3x की पावर 4 चाहिए तो हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x³ से, क्योंकि 3x³ × x बन जाएगा 3x की पावर 4। अगेन 3x³ × -1 बन जाएगा -3x का पावर 3। अगेन साइन चेंज होगा, प्लस विल बिकम माइनस, तो ये कैंसल, अगेन माइनस विल बिकम प्लस, तो -4x³ + 3x³ बिकम -x³ -3x - 1, राइट। अब फिर से हम सॉल्व करेंगे, अगेन देखो अब यहाँ फर्स्ट टर्म -x³ है, -x³ लाने के लिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -x² से, -x² × x हो जाएगा -x³, अगेन माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और x² × 1 बिकम्स x², अगेन साइन चेंज करेंगे हम, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, ठीक। तो ये हो गया -x³ + x³ कैंसल। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अटके होगे अगर खुद से बना रहे होगे तो, अब ध्यान देना ये 3x है और ये x² है, दोनों अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म ना ही कभी ऐड होंगे और ना ही कभी सब्ट्रैक्ट होंगे, ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, ये x² की साइन माइनस है क्योंकि हमने साइन चेंज की थी, तो हम इसको लिखेंगे -x² - -3x - 1, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, -x² - 3x - 1। अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन गया, -x². अब -x² के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे बताओ क्या होगा, -x² × x बिकम -x² अगेन -x² − 1, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, इन साइन चेंज करोगे माइनस विल बिकम प्लस, तो ये कैंसिल, प्लस विल बिकम माइनस, तो -x - 3x बिकम -4x - 1। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें, अब हम इसको कर लेते हैं, -4x लाना है तो हमको -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 × x बिकम्स -4x, और -4 × -1 बिकम्स --+4, ठीक है। साइन को हम चेंज कर देते हैं, माइनस विल बिकम प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस विल बिकम माइनस, तो -4 - 1 आंसर आ रहा है हमारा -5, राइट। देखो अब ये कितना लेंदी चला गया, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है ही, x की पावर 4 से स्टार्ट था तो इसका लॉन्ग डिवीजन इतना लेंदी गया, कितना आ गया हमारा रिमाइंडर, -5। अब इसी को ही हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। चलो रिमाइंडर थ्योरम जस्ट अभी आपको मैंने समझाया था कि रिमाइंडर थ्योरम में हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में हम फर्स्ट स्टेप करेंगे कि जी एक्स को इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि जी एक्स से डिवाइड करना है, तो करो जी एक्स को करो इक्वेट 0 से, तो क्या हो जाएगा, x - 1 मस्ट बी इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट, ये -1 इधर आ जाएगा तो x कितना आ जाएगा आपका 1, x कितना आ गया आपका, x = 1, ठीक। अब ये x = 1 पी एक्स में पुट कर दो, जरा बताओ कितना आएगा, सेकेंड स्टेप है पुट करना है, तो p(2) पी एक्स में हमको, सॉरी पी एक्स में हमको रखना है 1, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ। तो हमको x की, ये पी एक्स की इक्वेशन दी है, मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ,
3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब आपको इसमें रखना है p के, x के जगह 1, तो रखो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 रखो, तो 1 तो जैसा भी रखो, 1 इंटू 1 की पावर, x के जगह 1 रखना है तो 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, राइट। अब 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4। तो बताओ माइनस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 5। देख लो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा था माइनस 5 और यहाँ पर आ रहा है हमारा आंसर माइनस 5। रिमाइंडर थ्योरम में हमने वही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया विथ लीस्ट एफर्ट, बहुत कम एफर्ट में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और वही लॉन्ग डिविजन मेथड में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, ठीक। तो इस टाइप से आपका होता है रिमाइंडर थ्योरम। आपको कभी भी क्वेश्चन में दोनों नहीं सॉल्व करना होता, आइदर बाय लॉन्ग डिवीजन दिया होगा और आइदर बाय रिमाइंडर थ्योरम दिया होगा। मैंने आपको दोनों इसलिए समझा दिया था कि दोनों हमारा कवर अप हो जाए, ठीक। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो पुश करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पर होमवर्क के, इसके तो आप लोग वो होमवर्क करके आओगे मुझे। आप लोग क्या करोगे, एग्जाम्पल नंबर 8 का क्वेश्चन नोट डाउन करके मुझे इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताना है आपको, लॉन्ग डिवीजन से भी और रिमाइंडर थ्योरम से भी। एग्जाम्पल नंबर 8 प्लस एग्जाम्पल नंबर 9 भी आप मुझे दोनों मेथड से सॉल्व करके बताओगे, बुक में रिमाइंडर थ्योरम से बनाया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 भी आप मुझे लॉन्ग डिवीजन भी करके दिखाओगे और रिमाइंडर थ्योरम से भी करके दिखाओगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।